तो चलिए बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं आपको। जीत तो मिल गई लेकिन हिसाब अब तक नहीं मिला है और यहाँ पर जूतम पैजार हो गई है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है करौली का, जहाँ सांसद साहब के स्वागत कार्यक्रम के दौरान ही भाजपा कार्यकर्ताओं में जमकर हाथापाई हुई है। नादौती में सांसद मनोज राजौरिया के स्वागत के दौरान जब भोजन चल रहा था, तभी कार्यकर्ताओं ने चुनाव के दौरान पीएम की रैली में खर्च किए रुपए वापस नहीं मिलने के आरोप लगाए और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चलाए गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं में किस तरह से जमकर जूतम पैजार हुई है। सांसद साहब के स्वागत कार्यक्रम में कैसे लात घूंसे यहाँ पर चले हैं। स्वागत कार्यक्रम था सांसद मनोज राजौरिया का, लेकिन इसी दौरान पीएम की रैली के दौरान खर्च किए गए रुपयों के हिसाब को लेकर ही यहां पर पहले विवाद होता है, मारपीट होती है, जूता पैजार होती है। किस तरह से ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता ही हैं जो पहुंचे तो यहां पर स्वागत के लिए थे सांसद मनोज राजौरिया के, लेकिन इसी दौरान जब पीएम की रैली, उसमें हुए खर्च, खर्च के हिसाब को लेकर विवाद होने लगा, विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि देखिए कार्यकर्ता सब कुछ भूल गए और एक दूसरे पर न सिर्फ हाथ चलाए बल्कि जूते तक चल गए यहां पर। यह अहम तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। जीत तो मिल गई, जिस जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया था, लेकिन हिसाब नहीं मिल पाया और हिसाब जब ना मिला, मेल नहीं खाया, तो देखिए ये तस्वीरें निकलकर सामने आई।